देश में कोरोना के मामले कई जगहों से कम आ रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा घटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में अभी और संभलने की जरूरत है। वहीं कई राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग घरों से बाहर कम ही निकल रहे हैं। कोरोना का डर और खौफ जहन में बस गया है, तो स्थिति को अभी ठीक होने में समय तो लगेगा। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अब आगे क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि कोरोना काल में किसान, कामगार, फल उत्पादक, इन सब का खासा नुकसान हुआ है, क्योंकि सरकार के पास पर्याप्त इंतजाम ही नहीं थे। अगर स्थिति संभल गई, तो उसके बाद ये सवाल आएगा कि अब आगे क्या होगा। महामारी का खेती और दूसरे आर्थिक गतिविधियों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। लॉकडाउन के कारण सब्जी, फलों और डेयरी उत्पादकों की बिक्री पूरी तरह से प्रभावित हुई है। व्यापारी गांव तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो गांव में जो लोग रहते हैं उन पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है, क्योंकि शहरों में जो लोग रहते हैं वो किसी न किसी तरीके से ऑनलाइन सामान मंगाकर अपना घर चला सकते हैं, लेकिन गांव की स्थिति इसके बिल्कुल उलट है। अब ये तो साफ है कि कोविड संक्रमण की दूसरी लहर गांव को भी अपने चपेट में ले चुकी है। वहां हो रही मौतें सरकारी आंकड़ों में नहीं, बल्कि गंगा और दूसरी नदियों में तैरती लाशों और असामान्य रूप से बड़ी अंत्येष्टि की संख्याओं में जाहिर हो रही है। कमजोर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कीमत गांव के लोग चुका रहे हैं। बहरहाल, अगर स्थिति संभल गई, तो उसके बाद ये सवाल खड़ा होगा कि अब आगे क्या होगा। महामारी का खेती और दूसरी आर्थिक गतिविधियों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। सब्जी, फल, डेयरी उत्पादकों, फूल विक्रेताओं, फूल उत्पादकों, इन सब पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। व्यापारी गाँव तक नहीं पहुँच रहे। उधर शादी, विवाह, धार्मिक और सामाजिक आयोजनों पर रोक लगी हुई है। होटल, रेस्टोरेंट और मिठाई का खान पान की जो दुकानें हैं, अन्य जो दुकानें हैं, वो बंद पड़ी हैं। जाहिर है दूध उत्पादों, सब्जी और फलों की मांग काफी घट गई है। ये तो जग जाहिर समस्या है कि स्टोरेज की व्यवस्था नहीं होने के कारण इन उत्पादों को किसान अपने पास सुरक्षित नहीं रख पाते, जबकि दूसरी रोजी रोटी तो रोजाना इनसे होने वाली आमदनी पर ही निर्भर है, तो उन्हें औने पौने भाव में अपनी पैदावार बेचनी पड़ रही है या फिर उन्हें फेंकना पड़ रहा है। इस कारण कोरोना की दूसरी लहर ने किसानों, कृषि निर्भर समुदायों और पशुपालकों की हालत खस्ता कर दी है। उनका पूरा आर्थिक चक्र गड़बड़ा गया है। मोटे अनाज यानी गेहूं, चावल, चना उपजाने वाले किसान भी कम हाल नहीं है। बिहार की एक खबर में बताया गया है कि लॉकडाउन के पहले गांव आकर व्यापारी 1650-1700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीद रहे थे, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद से वो 1500 रुपए प्रति क्विंटल भी देने को तैयार नहीं है। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से जिस वक्त देश में लाखों लोग घरों में हैं और वो ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम का भरपूर फायदा उठा रहे हैं और घर बैठे मनचाही चीजें भी हासिल कर पा रहे हैं, उसी वक्त देश में हजारों लोग सड़कों पर हैं और उनके सामने रोजी रोटी का संकट है। कोरोना वायरस के भारत में पहुंचने से पहले ही देश की अर्थव्यवस्था की हालत चिंताजनक थी। कभी दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था की विकास दर 2019 में 4.7% रही। ये 6 सालों में विकास दर का सबसे निचला स्तर था। साल 2019 में भारत में बेरोजगारी 45 सालों के सबसे अधिकतम स्तर पर पहुंची और पिछले साल के अंत में देश के 8 प्रमुख क्षेत्रों से औद्योगिक उत्पादन 5.2% तक गिर गया। ये बीते 14 सालों में सबसे खराब स्थिति थी। कम शब्दों में कहें तो भारत की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब हालत में थी। विशेषज्ञों का मानना है कि अब कोरोना वायरस के प्रभाव की वजह से जहां एक ओर लोगों को स्वास्थ्य संकट से गुजरना पड़ रहा है, स्वास्थ्य संकट उनमें छाया हुआ है, तो दूसरी ओर पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था को और बड़ा झटका मिल सकता है। कोरोना काल में आम जनजीवन तबाह हो गया। कोरोना से बचाव के लिए जब जब लॉकडाउन लगा तो दिहाड़ी मजदूरों और नकदी फल वाले किसानों की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। यहाँ तक कि किसान हताश होकर खेतों में लगी फसल तक बर्बाद कर रहे हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी गया में लॉकडाउन का असर फूलों की खेती करने वाले किसानों पर पड़ा। गया में 2 विश्वविख्यात मंदिर हैं जिनके बंद होने से फूलों की बिक्री नहीं हो पाती है और किसान अच्छी खासी फसल को नष्ट कर देते हैं। जाहिर है खेती की लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। ये साफ है कि कम आमदनी होगी तो किसानों की आर्थिक सेहत बिगड़ेगी। लॉकडाउन के कारण ग्रामीण इलाकों में सड़क, आवास, सिंचाई और निर्माण संबंधी परियोजनाओं का काम रुका हुआ है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अब खेती का हिस्सा लगभग 40% है, बाकी हिस्सा गैर कृषि कार्यों का है, तो वो काम भी ठहरे हुए हैं, तो आमदनी का सारा चक्र टूट गया है। सवाल ये है कि ये अर्थव्यवस्था कैसे संभलेगी? क्या सरकार ने इस समस्या के बारे में सोचा भी है?